हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे। मंडे आज आज की तारीख ही भूल गई। आज आई थिंक छः, आज है 6 अप्रैल और मंडे। हाँ बाप रे, कितना याद करना पड़ता है। अरे मैंने खतरों के खिलाड़ी नहीं देखे दो। आज हम खतरों के खिलाड़ी देखेंगे, हम भूल गए। हम लोग कल स्पेशल ऑप्स देख रहे थे, वो स्पेशल ऑपरेशन ही आई थी उसका मतलब, तो वो देख रहे थे तो मैं खतरों के खिलाड़ी भूल गई। मुझे लगा हाँ यार खतरों के खिलाड़ी हम भूल गई, उसे याद आया मुझे। देखिए अब खतरों के खिलाड़ी भी याद नहीं रहता। वो ऑलरेडी शूटेड है, वो पिछले साल 2019 अगस्त सितंबर में। हाँ विनर का नाम नहीं मालूम मुझे, और पता भी होगा तो मैं रिवील नहीं करूंगी, कौन अपना मजाक खराब करेगा। तुम तुक्का मार रहे हो। देखो धर्मेश भी हो सकता है, तेजस्विनी तो आई थिंक मिड में ही एविक्ट हो जाएगी क्योंकि वो बहुत अच्छी है, सच में प्लेयर बहुत अच्छी है ना। वो पैर वैर की चोट के कारण बाहर आ जाएगी, अदरवाइज जीतने के बहुत चांसेस थे। हाँ तन्ना, करिश्मा तन्ना के भी चांसेस काफी हैं। हाँ यार बहुत लड़कियां हैं जिन्हें, करण पटेल है, धर्मेश भी है। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, मेरे को कुछ सब्जियां देखनी है जाके, तो मैं सब्जी वगैरह देखती हूँ, खरीद के लाना है मुझे सामान, तो जा रही हूँ मैं। आज पैसे तो खत्म हो गए हैं, कोई पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे सच में पता है। अब देखते हैं क्या होता है। चले कहाँ चल रहे, चल रहा है ये लैपटॉप, ये फोन छोड़ के जा रही है अपना, क्यों अपलोड हो रहा है। पहले कैसे जलाऊंगी फिर, 9 बजे कल जला चुके हैं है? हम तो भैया एक ही दिन तो ना, रोज जलाना था। सैनिटाइजर का, लेट्स गो गाइस। चलिए ये सबसे डेंजरस काम है बाहर जाना। वैसे अब यहाँ पे बहुत केस जो है वो 8 के 8 ही हैं, 4 रिकवर भी हो गए हैं, यहाँ काफी कंट्रोल हो गया, बट नहीं हर जगह शक की नजर से जाना चाहिए। तो मैं सब्जी ले आई हूँ और अभी, और सब लोग रामायण देख रहे हैं, रामायण जो आ रही है दिखाती हूँ आपको। हाउ, क्यों रामायण देख रहे हैं? ये दो कैंडिडेट रामायण देख रहे हैं, दिखा दो सुग्रीव जी को। आपको कोई इंटरेस्ट है रामायण देखने में? देखा रामायण दिखा दो, कॉपीराइट लग जाएगा। कितनी देर आती है? एक घंटा ना, ये कितने अच्छे राम जी के दो राजा नहीं हो, उसे सत्ता का मोह है तो आपको सत्ता का मत है स्वामी। तुम हमारी भारिया होकर लांछन लगा रही हो हम पर, भाई बना जाती हो हमें। मैं देख रही हूँ कितनी सीरियसली देखी जा रही है, देख भी नहीं है, दिखा रहे क्या, देख भी नहीं है यार, क्या बोलूं मैं, क्या चलूं। पापा के पास है मतलब, जीत गए। नहीं भाई चार बनाओगे केवल, बस चाहिए। अच्छा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक किंग नहीं है, क्वीन नहीं है। नहीं कुछ, आप रिपीट चल रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। हमारा पार्टी था, मैं जानता है हम लोग अभी आए और आज हम लोग एक भी गेम नहीं जीते। गंदी बेइज्जती आज तक नहीं हुई, इतनी गंदी बेइज्जती आपको पता, हम लोगों ने खेले आखिर में, हमने 3-4 गेम इसलिए खेले कि शायद जीत जाए। तो ये होता है कोर्ट पीस, और उनके ना हमेशा 8 बन रहे थे, 9 बन रहे थे, हम लोग के 5 या 6,
या उनके 7, तो ऐसा हो रहा था कि एक दो में या कभी 4 बन रहे थे हम लोग के, तो बन ही नहीं पा रहे थे और बड़ी बेइज्जती हो गई। फिर हमने बहुत कोशिश की, पता नहीं बहुत कोशिश की, आज हमने दिल से कोशिश करी और उसके बाद ही जीत पाए। तो सब्जी जो है वो मैं लेके आई हूँ, शिमला मिर्ची और बैंगन, वो भी खेले वाला मिल गया तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कोई सब्ज़ी मुझे मिली नहीं तो वो दो सब्ज़ी ले आई। शिमला मिर्च जो है वो भी राजा को ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अब राजा जो हैं वो इतना कोऑपरेटिव हो गए हैं कि वो कर रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं। और उन्हें मैं थोड़ी बहुत बेसिक कुकिंग जो है वो सिखा रही हूँ कि इन फ्यूचर जब बेबी होगा, अब तो फिलहाल हम लोग नहीं सोच सकते हैं। तो जो राजा है वो थोड़ा काम कर रहे हैं रसोई में, आप यकीन नहीं मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं राजा काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। राजा ने मेरा पूरा ऊपर का मेरे साथ पूरा संभाल के रखा है। नीचे जाते हैं हम लोग तो नीचे राजा बैठे रहते हैं। आज हम लोगों ने ना वो खाया था सूजी का उत्पम, उसमें वो भरा हुआ था, क्या बोलते हैं उसमें, वो भरा था आलू का मसाला होता है ना, वो भरा था, बहुत ही टेस्टी था, तो वो खाया। अभी देखते राजा को कुछ खाना है तो मैं बनाती हूँ खाने के लिए। तो मैंने कपड़े चेंज करे, कुछ वीडियो थी वो शूट करिए, बहुत मस्त वीडियो आने वाली है दो, प्लीज़ मिस मत करिएगा। अगर आपने मिस करी ना उनमें से स्पेशली एक वीडियो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो वो शूट करके मैं अभी आई और अब लग रही है हम लोग को थोड़ी सी भूख। मैंने अच्छा है दाल उबाल ली थी, मैंने को लगाया थोड़ी दाल चावल वगैरह और सब्जी हो जाएगी। तो आज पता है जब हम सब्जी लेने गए थे तो वहाँ पे हमने 4-5 लोगों को देखा जो लाइन में वो रहती ना, क्या बोलते जो नालियाँ जो बहती हैं, वो नालियों के पास में सब्जियाँ साफ कर रहे थे। और वो उसमें स्पेशली एक पत्ता गोभी थी और एक टमाटर थे, हम उन्हें देखे और वो एकदम से हड़बड़ा गए थे ना, वो लोग कुछ हुआ था ना, मतलब एकदम से वो लोग डर गए क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा गाड़ी घूम रही थी, उनके एकदम चेहरे पे एकदम से शॉकिंग बोल रहा था। उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था, मेरे को लगा काश मैंने कैमरा ऑन किया होता तो मैं आप लोगों को दिखाती। लोग नालियों में सब्जी साफ कर रहे थे और स्पेशली पत्ता गोभी की सब्जी और टमाटर, उनकी दो सब्जी थी और एक जगह बैंगन भी रखे थे। फिर मैंने तो कहीं और से खरीदे कि मेरे को लगा नहीं यार पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। तो अगर कोरोना होता ये नहीं होता, सब्जी आप हमेशा अच्छे से ही साफ करिए क्योंकि हमेशा से धुलती आ रही है, ऐसा नहीं है कुछ नया है। बट आज मैंने खुद से आपको देखा वो एकदम से डर गए, जैसे ही हम लोग की गाड़ी थोड़ी सी हम रुके थे, हम लोग बोला सब्जी लेते, सब्जी के ठेले थे कि हम लोग एकदम से इसलिए रुके थे, जैसे मैंने देखा कि बहुत सारी सब्जियां नीचे पड़ी थी और वो नाली आ रही थी और वहां से वो लोग सफाई कर रहे थे उन सब्जियों की, तो मन उठ गया मेरा वहां देख के। फिर अब लानी तो थी, अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना सब्जियों के आप रह सकते हो, सब्जी तो लानी थी। टमाटर और हाँ कहीं और से लाए, वहां से ऑब्वियसली नहीं लाते, देखते फालते चीजें देखते हुए चीजें अगर आप ले रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं। वैसे सब ऐसे धुलती हैं, हमें खुद से धोनी चाहिए सब्जी, चाहे वो दूध के पैकेट्स आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें बाहर धो लीजिए, डिटर्जेंट में धो लीजिए और उसके बाद ही उन्हें यूज करिए क्योंकि सीरियसली बहुत रिस्क हो गया आजकल तो। दिख रहे तो ये बोलो हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ, बोजो को हम एक हफ्ते से देख रहे हैं, बोजो का कुछ ना कुछ लग रहा है हम लोगों को बट समझ में नहीं आ रहा है कि मे बी एक डॉग्स पे से आपका पेट प्रिटेंड तो नहीं करेगा। तो क्या हुआ, मैंने फ्रिज खोला था, ये फ्रिज में भिड़ गया 2-3 दिन पहले आके, ठीक है। अगर इसे रास्ते पता है वहां वहां निकल जाता है, बट अगर उस रास्ते पे कोई ऑब्स्टेकल रखा है लाइक कोई गमला रखा है कुछ रखा है तो वो मुंह से भिड़ता है, दरवाजे से भिड़ता है जाके, ठीक है। और ऐसे ये ना 10 जगह पे जा जाके भिड़ रहा था, तो हम लोग को लगा मे बी इसकी आंखों में शायद कुछ प्रॉब्लम है या मे बी सो के उठा है, बट अब कंटिन्यूसली ये हो रहा है कि अभी जैसे उठा तो ये 4-5 जगह पे जाके सीधा गया और भिड़ गया। मतलब सुन दिखता नहीं है मेरे को, ऐसा लगता है ऐसे
क्योंकि पहले क्या होता था, मैं इसे बुलाती थी, ये आ जाता था मुझे देख के। अगर मैं सोफे पे बैठी हूँ, मैं आवाज लगाऊंगी तो ये ऐसे ऐसे करके सुनेगा, इसे मैं दिखी नहीं रही। अरे मैं रसोई में भी काम कर रही थी तो मैं बोजो को आवाज लगा रही, बोजो 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 देख रहा है इधर उधर, पर बोजो जा जाके देख रहा है कहाँ हूँ मैं। पर मैं उसके सामने खड़ी हूँ उस साइड में, पर उसे वो नहीं दिख रहा है कि मैं उसके सामने खड़ी हूँ। तो हम लोग को थोड़ा सा डाउट है ये, और हम लोग को 2-3 साल पहले लगा था जब हमने डॉक्टर को कहा था कि हमें कुछ लगता है इसकी आँख में ना एक छिल्ली सी आ रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये आती है पक्ष को, सही हो जाएगा ये। तो वो उस टाइम पे उन्हें ध्यान नहीं दिया, और इन लोगों का एक ही डॉक्टर है जिसने जब बोजो की तबीयत खराब हुई थी और बोजो को ब्लीडिंग हुई थी, तो डॉक्टर ने जब 2.5 साल का था ये, तब डॉक्टर ने उसे ठीक किया था इसको उस टाइम पे। तो डॉक्टर ऐसे हैं कि वो यहाँ के मेन वेरी बिग डॉक्टर हैं पेट्स के, अगर आप लोग करें तो सबसे बड़ा नाम है यहाँ का वो। तो उस टाइम उन्हें दिखाया था, तो उन्होंने बोला ऐसा होता है कि आती है वो। फिर उन्होंने कुछ सिरप्स रिकमेंड की थी, हम सिरप्स लेके आए थे, कैल्शियम थी और उसमें एक दो और सिरप्स थी, मल्टीविटामिन थी, तो वो सब का कोर्स भी किया, ठीक है हुआ। पक्स की जो आँखें रहती है वो थोड़ी बड़ी रहती है और हर चीज़ में बहुत जल्दी लगती है, चोट वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, बट शायद उसको नहीं दिख रहा है ना, शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या है उसको अपना घर पता है, तो वो यहाँ कहीं जो है वो नहीं भिड़ेगा। पर अगर वो रूम के बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, वो बेडरूम से बाहर नहीं आता है आजकल, उसको बाहर भी निकालने बालकनी में देखो सटाक से आ गया, फटाफट आया था दरवाजा खटकाया था, तो ऐसा हो रहा है। तो वही हम लोग को लग रहा है कि अब हम जाएंगे, रहा डॉक्टर मिलेगा, अगर डॉक्टर मिलते हैं तो कल हम लेके जाते हैं इसको, क्योंकि शायद ये फुल उसका केस लग रहा है हम लोग को, क्योंकि उसे नहीं दिख रहा है, मतलब दिख रहा नहीं है, मतलब आपको पता है नहीं दिख रहा है उसे, क्योंकि अभी मैंने ना थोड़ा टेस्ट करने के लिए ये कार्टून भी बीच में रखा था, वो इससे आके भी भिड़ गया, कि अगर उसके रास्ते क्लीन है तो वो चलता जा रहा है। वही मैंने फ्रिज खोला था एक दिन, तो ये खुला हुआ था, खेल घूमता रहता है और अपनी अपनी जगह से पता है, बहुत ध्यान से चलता है, तो वो खुला हुआ था फ्रिज, वो आके एकदम इतनी जोर से भिड़ा उस पर, मेरे को लगा वही इसको फ्रिज का ढक्कन नहीं दिख रहा। अगर आपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया है तो उसे हम दिखा रहे हैं कि दरवाजा बंद है, तो ये बाहर फिर नई कोशिश करेगा तो ये खटकाएगा। और स्पेशली अब ये हो रहा है कि पहले मैं एक मेरा पैटर्न था, जब भी मैं बोजो से मिलती थी और बोजो सो के उठता था तो मैं रसोई में वहाँ बैठती थी, रसोई में नीचे ऐसे करके बोजो को बुलाती थी और बोजो आ जाता था। बोजो अब ऐसा भटक गया है कि उसे समझ में ही नहीं आता, मैं रसोई में खड़ी हूँ तो कुछ पता नहीं चल रहा, उसे नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक अगर मैं बोजो को अगर हम नीचे लेके जाएंगे ना, एक बार ट्राई करते हैं, नीचे का घर इसे बिल्कुल नहीं पता है, बहुत पहले रहा है ये, 2-3 साल रहा है नीचे, पता चल जाएगा, तो पता चल जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा भिड़ता है तो पता चल जाएगा, अभी से यहाँ के रास्ते पता है, उसके बाद ये वो हो रहा है। और इसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम दिखती है हम लोगों को, पर वो गूगल को भी आती रहती है थोड़ा बहुत, ये रहता है कि आँखें थोड़ी सी वो है, कभी लाल हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, बट अभी इसकी आंखों में लग रहा है हम लोगों को कि ये वाला केस जो है ये हो गया। और आपको पता है अभी ये 8 साल का हो गया है, और जैसे जैसे आपके पेट की एज वो होने लगती है थोड़ा डर लगता है, बट 8 साल इतनी बड़ी उम्र नहीं होती है सब चीज़ों की। और अगर ऐसा कुछ हो गया है, अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्या होंगे, क्या करेंगे, तो कभी छोड़ के भी नहीं जा सकते अगर ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा हो तो नहीं है, हुआ तो कुछ है, हुआ तो है क्योंकि आपको पता है ये इतना भिड़ रहा है। और एक चीज बताओ ना, आँख का डॉक्टर इलाज भी कैसे करेगा, ड्रॉप देगा कुछ देगा बस अपना डालने के लिए। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसे सुन नहीं रहा, पर हम लोग बेल बजाते तो सुनाई तो समझ में आता है कि अभी थोड़ा सूंघ रहा है। और आपको पता है इसके सामने, आप बता रही हूँ आपको, इसके सामने इसकी हड्डी रखते हैं हम लोग, इसकी आंखों के सामने रहती है वो हड्डी से नहीं दिख रही है, ये 3-4 दिन से हो रहा है राजा, कल हमने सामने हड्डी रखी थी और इसको हड्डी नहीं दिखी, बेड पे रखी हुई थी इसकी एक बोन, और इसको हम बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड, ठीक है, कि वो कैसे बिल्ड रहा है। बोलो दिख रहे हो मेरे को, दिखा मैं हूँ,
आई मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा इसको, प्रॉब्लम क्या है। पूरा ही मेरे पास आवे सुन के बोलो यहाँ रख रही हूँ। ठीक डर गई हो या बोलो बोलो ये नहीं बोलो ये तुम्हारी जगह दीवार पे चढ़ रहा था। अरे वो दीवार पे चढ़ रहा था। बुलाओ ना यहाँ आ नहीं रहा है ऐसे तो बैठे हो तो वापस आ रहा है रो सकता है यार पता नहीं मेरे पास नहीं आ रहा है बोलो नहीं दिख रही हड्डी दिख रही ना बोनी सामने खड़ा है बताओ बोनी लो डालो वहां डालो बाजू आवाज सुन रहा है आवाज से सुन रहा है रख दो रख दो रख दो सामने नहीं दिख रही उसको हड्डी ये देखो ये सूं क्या है बोनी यार आंखों में एकदम से क्या हुआ है बोनी ऊपर देख ये रही हड्डी नहीं देख रहा राजा सच में नहीं देख रहा है बोनी ये रही बोनी सामने रखो सामने रखो वहां थोड़ी दूर में रखो बोनी फेंक दो नीचे फेंक दो आवाज नहीं सुना रही अरे फेंको तो एक मिनट ये देखो बोनी सूंघ रहा है ना ये अभी से पता चला मैं आऊं बोनी दे दो ओ ये दिक्कत हो गई देखना बंद हो गया पक्का देखना बंद हो गया उसका 110% देखना बंद हो गया बोझो कहाँ देख रहा सुन क्या ले रहा है सुन क्या ले रहा हूँ ये देखो सबसे बड़ा एग्जांपल नहीं दिख रहा मुझे हड्डी बाजू में पड़ी सूंघ रहा है हड्डी वहां पड़ी देखते रहिए ये सूंघ रहा है ये सूंघ रहा ये सूंघ रहा ये नहीं सामने रखी हड्डी नहीं दिख रही उसे कहां ढूंढना देखो हड्डी ये रही देखिए यहां रखी हड्डी बोनी उसको नहीं दिख रहा है पास की चीजें में ख्याल से दूर की चीजें नहीं देख पा रहा है पास की भी नहीं देख पा रहा है बाजू से निकल पास की हाँ। पास की चीजें भी नहीं दिख रही है हमने रूम से बाहर निकलना ही चाह रहा हूं
बेडरूम से बाहर निकलता है? वो बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहा है। और हाँ, ये एक हफ्ते से पैटर्न देख रहे हम लोग, वो बेडरूम से बाहर भी नहीं आ रहा है। मतलब वहाँ एक जगह पे है, वहीं बेडरूम में घूमता रहता है। पक्का हम लोग को यकीन हो गया है कि उसे नहीं दिख रहा है, उसे ब्लाइंडनेस आ गई है। अब वो फुल ब्लाइंडनेस है क्योंकि एकदम नज़दीक की चीज़ें भी उसे कभी ऐसा लग रहा है कि दिख रहा है और कभी लग रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्योंकि अभी फिर से हमने थोड़ी सी हड्डी ली थी, उसके सामने रख रहे हैं, उसे हड्डी नहीं दिख रही है। वो दीवारों में, दरवाज़ों में, फ्रिज के दरवाजे पर अगर खुला है तो हर जगह वो अपना सर मार रहा है। सीधा स्ट्रेट चलता है और वो जाके एज इट इज़ भर जाता है। और सबसे ज़्यादा अभी भयानक चीज़ वो थी, जब राजा आवाज़ लगा रहे थे और राजा बाजू में खड़े थे, वो राजा पे ना चढ़ के वो दीवार पे जंप कर रहा था राजा समझ के, फिर उसे लगा रही है वो, तो वो सूंग के बोनी बोनी बहुत तेज ताली बजानी पड़ रही है, तो वो जाके सुनते हैं बोनी आजा आजा, रुक जाओ राजा मत करो, चलने दो, वो नहीं जा रहा कहीं। आपको पता है वो थोड़ा डर रहा है, उसमें डर आ गया, उसमें डर आ गया, वो नहीं चल रहा है। वो एक्चुअली मैं चल रहा अवॉइड कर रहा है, उसे हम कहीं भी बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। इवन वो मेरे पास नहीं आ रहा, जब मैं नीचे बैठी थी तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। एक बार जब मैं उसे ऐसे किया था तो वो डर भी गया। पहली बार बोधो डरा है, बोधो डरता नहीं मुझसे, वरना बोधो मेरे पास कूद रहा होता। हाँ कूद रहा होता, और वो नहीं कूद रहा था। इवन वो उसे छीन भी नहीं रहा था तो समझ में ही नहीं आया। और सबसे ज़्यादा मेरे को तब एक अंदर से लगता है धक्का लगता है जब राजा आवाज़ लगा रहे थे और वो दरवाजे पे चढ़ रहा था उस टाइम पे, दीवार पे चढ़ रहा था। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है अभी, क्योंकि अभी इतना बड़ा नहीं है, 8 साल का, अभी अप्रैल में हुआ है। मारा उसमें फिर से, मारा सर पे, टेबल मारी। हाँ सर पे, क्या कर रहे हो जो? क्या तुम्हें बेडरूम में ले जाओ, देना मुझे। हाँ दो मुझे, दो बोलो चला। पता आपको मेरे से मिला ही नहीं है वो, मेरे से मेरे पास वो पहचान ही नहीं पा रहा है। बाबू मेरे बाबू भाग गया था थोड़ा, बोके आ रहा, प्लीज कुछ कर दो राजा। चल 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 चल। कल हम लोग डॉक्टर से बात करते और डॉक्टर अगर नहीं बैठ रहे होंगे तो हम उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमें घर आने दो, वो गरीब बैठते हैं, उनके गरीब पे क्लिनिक है। कल हम लोग लेके जा रहे हैं ऐसे, और जो भी होगा, जो अगर ठीक हो सकता होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसकी आँखें ठीक करा के रहूँगी, अगर ठीक हो जाए तो। क्योंकि ऐसे ना यार बाहर आराम से वो भोंकता भोंकता है, सोचो कुत्ते भोंक रहे हैं, रिस्पॉन्स देते। अभी देखना देखना ये क्या कहाँ आता है, बढ़ता तो नहीं, देखना शानी बढ़ेगा तो नहीं। ए ए ए सीधा निकल गया, पता उसे घर का ना थोड़ा एरिया पता है तो थोड़ा सा वो रोशनी में भी दिक्कत हो रही है मेरे को लग रहा है। टेबल के नीचे जाके थोड़ा बैठता कभी वो? नहीं बैठता है टेबल के नीचे, वो थोड़ी ठंडक वाली जगह पर टेबल के नीचे बैठता है। उसको मालूम है हां, घर अपनी अपनी जगह पे नहीं बैठता, बाथरूम में घुस रहा है, बाल्टी आ रही है सामने बकाया था, उसको मालूम है मुड़ जा रहा है ऐसा। वो जगह उसे पता है जहां पे हम एक्स्ट्रा ऑब्स्टिकल रखते हैं, एक्स्ट्रा कोई चीज रखते हैं, और उसे नहीं पता है कि घर में वो चीज आई है, या मैंने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया या दरवाजा बंद है तो उस टाइम पे। तो जो भी होता है सूंघ के कर रहा है जो कर रहा है वो स्मेल से। किसी को कुछ पता है इस बारे में, किसी ने कभी पग ऑन किया है या किसी का कोई और डॉग है और वो बता सकता है मुझे इस बारे में कि अगर ऐसा है तो क्या ये चीज़ रिकवर हो जाती है या ठीक हो सकती है, या कुछ भी आपको इसके बिहाफ में नॉलेज हो तो आप प्लीज़ बताइए। मैं एक बार गूगल में भी सर्च कर रही हूँ, मेरा दिल पता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख रहा था, जिस टाइम पे मेरा उस टाइम पे जब राजा को नहीं पहचान पाया बोझो, उसने मुझे आज सुबह से नहीं, वो आया ही नहीं। मतलब वो मुझसे आवाज़ लगाती हूँ कहीं और जाता है, मुझसे आवाज़ लगाती हूँ कहीं और जाता है। देखते क्या होता है, तो चलिए मैं भी जा रही हूँ, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ।